हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, BTS ENN की तैयारी के लिए जो सीरीज चल रही थी उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज का जो है क्लास जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो है हम लोग देखेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है, यानी कि जितना क्वेश्चन पूछा जाता है सारा का सॉल्यूशन देखेंगे, और जैसा क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में हूबहू वैसा ही क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए आप लोग जो है इसको स्किप नहीं कीजिएगा, और इसको आप देखिएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पे जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ANM का ऑल सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहता है, GK GS मैथ रीजिंग जितना टोटल क्वेश्चन रहता है और सारा क्वेश्चन। तो इसलिए इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर जो है देखिएगा, और आप लोगों का जो भी पढ़ाई होता है वो नोट्स PDF और जितना टेस्ट होता है सारा कुछ जो है टेलीग्राम पे आप लोगों को फ्री में मिलता है। इसलिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकती हैं। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर की तरफ ले चलते हैं। तो देखिए, ये रहा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि 2013 में पूछा हुआ है, ANM का क्वेश्चन पेपर है। आप लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो चलिए इसी को आज हम लोग देखेंगे, और सारा अगर नहीं देख पाए तो जो बचा हुआ है वो कल देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों का क्या आता है, खंड ए सामान्य विज्ञान आता है। ये जो है बिहार का नहीं है, ये MP ANM का है। तो इसलिए MP से भी जो भी जितना ANM का सेम पढ़ाई सेम ही रहता है, जितना सब्जेक्ट रहता है उतना MP में भी सब्जेक्ट रहता है, जितना जो कुछ क्वेश्चन उधर रहता है उधर इस बिहार में भी सेम वैसे ही रहता है। इसलिए प्रीवियस ईयर सारा स्टेट का आप लोगों का हम करा देते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, और ये साइंस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको साइंस वाला देख लेते हैं। सिलेबस भले ही अलग रहता है लेकिन क्वेश्चन जो है वो सेम रहता है। इसलिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में हुआ है। MP पुलिस 2013 में उस टाइम जो है वो ऑफलाइन एग्जाम होता था, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और अभी जो है अभी तो बिहार में ऑनलाइन एग्जाम होता है, यानी CBT टेस्ट होता है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जिनको इंग्लिश में अगर देखना है तो वो लोग इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है, वो लोग पढ़ सकती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के लिए नाभिक मॉडल दिया था, यानी कि परमाणु का नाभिक मॉडल किसने दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर ने और डी ब्रोगली ने। तो देखिए, इसका राइट आंसर होने वाला है रदरफोर्ड। देखिए, इसको क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा। यहाँ पे बोल रहा है परमाणु के लिए नाभिक मॉडल किसने दिया था, यानी यहाँ पे नाभिक मॉडल पूछ रहा है, इसलिए रदरफोर्ड आंसर होगा। अगर वही यहाँ पे जो है पूछता केवल परमाणु के लिए मॉडल किसने दिया था, यानी परमाणु मॉडल किसने दिया था, वो तो यहाँ पे हो जाएगा JJ थॉमसन। इसलिए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए जो भी क्वेश्चन अगर अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो वो फर्स्ट ऑप्शन देखते ही वो JJ थॉमसन लगा देंगे। इसलिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। देखिए, बहुत लोग जो है वो बोल रही थी कि कैसे हम मान लें कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए उन्हीं के लिए जो है ऐसा हम लाए हैं। नहीं तो इसको जो है हम PDF फॉर्म में बनाकर उसको टाइपिंग कराकर तब क्वेश्चन लाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो बोल रहे थे कि क्या प्रूफ है आपके पास कि ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, इसीलिए हम जो है ऐसा उन लोगों के लिए लाए हैं, ताकि उन लोग को बिलीव हो सके कि ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो है दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परमाणु में नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कहलाती है, यानी प्रोटॉन की संख्या को जो है वो क्या कहते हैं। इसमें क्वेश्चन से ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों को पता चल गया कि वो जो प्रोटॉन जो है वो नाभिक के अंदर होता है। देखिए, ये जो है एक परमाणु हो गया, और परमाणु का ये नाभिक हो गया, और नाभिक के बाहर जो है ये कक्षा होता है, और ये नाभिक में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, P+N, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कक्षा के अंदर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो है कक्षा के अंदर यानी नाभिक में कौन कौन सा जो है वो होता है तत्व, तो वो हो जाएगा कौन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा के बाहर जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, तत्व की परमाणु संख्या, तत्व का परमाणु भार, तत्व की संयोजकता और तत्व की द्रव्यमान संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु संख्या, यानी कि जो तत्व का परमाणु संख्या होता है वही जो है प्रोटॉन में, वो नाभि के अंदर परमाणु का जो प्रोटॉन होता है वही कहलाता है। यानी कि जो परमाणु संख्या जितना होगा, मान लीजिए कि सोडियम हो गया, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, तो 11 परमाणु संख्या इसका हो गया, तो प्रोटॉन संख्या भी इसका 11 ही होगा। यानी कि परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या जो है वो सेम ही होती है। ठीक है, और एक बात बता दें कि मान लीजिए कि ये पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का आप लोग परमाणु संख्या जो है कमेंट में बताइए कि कितना होता है। परमाणु संख्या को जो है वो परमाणु क्रमांक भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 19, और परमाणु क्रमांक जो है वो नीचे रखा जाता है, नीचे डिनोट किया जाता है, और जो परमाणु भार होता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो पोटेशियम का परमाणु भार कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 39। तो ये कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, ऐसे लिख देगा पोटेशियम का यहाँ पे और यहाँ पे 39 लिख देगा, यहाँ पे 19, और पूछ देगा कि इसका परमाणु जो है वो भार कितना होगा। तो परमाणु भार ये जो है सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, तो परमाणु भार इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे परमाणु भार हो जाएगा 39, और परमाणु क्रमांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19। देखिए परमाणु भार जो है वो कितना हो जाएगा 39। देखिए एक याद रखिएगा, जेड से किसको डिनोट करते हैं, परमाणु जो है वो संख्या को जो है वो जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, जेड से परमाणु संख्या। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है वो सिंबल भी पूछ देता है किससे डिनोट करते हैं, यानी इसका परमाणु जो है परमाणु संख्या का जो है वो सिंबल यानी कि संकेत क्या होता है, जेड होता है, और एक किसका होता है वो आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग। तब तक हम आगे बताते हैं। देखिए ये हो गया, क्या हो गया, परमाणु संख्या मान लीजिए किसी का 11 है, तो उतना ही इसका जो है प्रोटॉन की संख्या होगा, उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, यानी कि जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें हो जाएगा और उतना ही प्रोटॉन की संख्या। एक क्वेश्चन और भी पूछता है यहाँ से कि प्रोटॉन की संख्या जो है वो धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या जो है वो धनात्मक होता है। इसको देखिए याद करने का एक आसान सा तरीका यह है कि प्रोटॉन P से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन P से डिनोट करते हैं तो प्लस, P से क्या हो जाएगा प्लस यानी कि धनात्मक, और E को हम लोग याद कर लेंगे कि ये ऋणात्मक होता है यानी कि माइनस, वो का चिन्ह इस पर लगा रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से, देखिए इसको हम जूम कर देते हैं, चलिए हो गया, निम्न में से कौन सा तत्व, कौन सा पोषक अभाव विकार लक्षण विटामिन सी विशेष के अभाव के कारण होता है। यानी इसका सीधा कहने का मतलब ये है कि विटामिन सी की कमी से इसमें से कौन सा लक्षण है जो वो उत्पन्न हो जाता है। होठों का फटना, मसीड़ों से स्पंजी रक्तस्राव, पित्त श्लेष्मा और त्वचा का दरोरापन यानी कि दरार पड़ जाना, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों से वो जो है स्पंजी स्राव यानी मसूड़ों से जो है वो ब्लड आने लगता है, रक्त का स्राव होने लगता है, और होठ का फटना, त्वचा का दरारेपन, ये सब जो है विटामिन ए के कमी से होता है। विटामिन ए के कमी से नेत्र रोग भी होता है और त्वचा का जो स्किन डिजीज भी जो है वो विटामिन ए की कमी से ही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला निम्न तत्वों में से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो
तो देखिए, अगर सबसे ज़्यादा तत्व बात करें कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, उसके बाद पाया जाता है कार्बन, उसके बाद पाया जाता है हाइड्रोजन, उसके बाद पाया जाता है नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग क्रम भी याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ देगा सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वो हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद से हो जाएगा कैल्शियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, कुष्ठ रोग का कारण क्या है, यानी कुष्ठ रोग किस कारण से होता है, विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्म, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के कारण जो है वो कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग को जो है इंग्लिश में जो है वो लेप्रोसी भी कहते हैं, यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में भी कभी कभी लेप्रोसी ही लिख देता है, इसलिए आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि कुष्ठ रोग को लेप्रोसी भी कहते हैं। कभी कभी इसका नाम जो है वो कोढ़ भी लिख देता है कि कोढ़ मान लीजिए किस कारण से होता है, तो बैक्टीरिया के कारण से होता है। अगर बात करें किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, देखिए इंग्लिश में इसको लेप्रोसी कहते हैं, तो इसके बैक्टीरिया में भी लेप्री जो है वो नाम छिपा हुआ है। तो आप लोग सिर्फ अगर लेप्री भी याद रखते हैं, तो वो जो है आप लोग अगर ऑप्शन में देखिएगा तो वो टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में जो है सिर्फ यही एक ऑप्शन रहेगा जिसमें लेप्री लगा हुआ रहता है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ दे अगर कि कुष्ठ रोग से जो है वो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप लोग बोलिएगा तंत्रिका तंत्र या फिर त्वचा, दोनों प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, त्वचा, तंत्रिका तंत्र, त्वचा, ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन मतलब यहाँ पे देखिए हिंदी वर्ड लिखा हुआ है, प्रशीतन मतलब रेफ्रिजरेटर, यानी कि इसको फ्रिज, यानी फ्रिज जो हम लोग घर में रहता है उसी को लिख रहा है प्रशीतन, यानी रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर जो है, यानी प्रशीतन जो है वो खाद्य को जो है परीक्षण यानी संरक्षण यानी सुरक्षित कैसे रख पाता है, यानी कि मान लीजिए उतना दिन तक उसमें खाना रह जाने के बावजूद भी जो है वो खराब क्यों नहीं होता है, किस कारण से, जीवाणुओं को नष्ट करके जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक करके। तो देखिए इसका आप लोग राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट अभी कीजिए। देखिए हम बता देते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं को जो है वो नष्ट करके, देखिए जीवाणु को जो है वो नष्ट कर देता है, आप लोग जो है आंसर यही दिए हुए हैं, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, जीवाणु को नष्ट नहीं करता है बल्कि जैव रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें उसका दर जो है वो कम कर देता है, यानी कि जो है उसमें जो है ठंडक के कारण, उसमें ठंड के कारण, बर्फ के कारण जो है उसमें जीवाणुओं को जो क्रिया होती है वो धीमे कर देती है, जिसके कारण जो है जीवाणु जो उसमें होता है यानी बैक्टीरिया जो होता है उनकी जो है गुणन जो है यानी कि उनकी वृद्धि दर जो है बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण खाना जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उसमें रह पाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जब वो खाना बनाता है तो उस समय जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अंदर लेता है, इसीलिए देखिए रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका देखिए आप लोग को कारण बताते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा जो है वो सनलाइट से दिन में जो है वो लेकर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर खाना बनाता है, और सनलाइट से जब वो खाना बनाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तभी वो खाना बनाएगा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब वो करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर लेता है, और CO और जो O2 है यानी ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है,
लेकिन अगर बात करते हैं कि रात के टाइम, तो रात के टाइम वो खाना नहीं बनाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो नहीं करता है, जिसके कारण वो केवल श्वसन लेता है। और श्वसन में जो है, जैसे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और O2 ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधा भी सेम वैसे ही करते हैं। लेकिन दिन में पेड़ पौधा जो है वो खाना बनाते हैं, जिसके कारण से जो है वो CO2 मुक्त करते हैं। लेकिन दिन में खाना नहीं बनाने के कारण वो भी मनुष्य की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए जो है रात के नीचे जो है वो पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो है ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शारीरिक प्रक्रम में थ्रम्बिन का संबंध है उत्सर्जन, प्रजनन, रक्त जमा, वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रक्त जमाव। रक्त जमाव में जो है ये थ्रम्बिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो कि ब्लड में पाया जाता है। इसी प्रोथ्रम्बिन के कारण जो है वो रक्त का जमाव हो पाता है। जैसे ही कहीं जो है उंगली में जो है वो कट का निशान लग जाता है, वहाँ से जो है वो ब्लड स्रावित होने लगता है, तो ये थ्रम्बिन जो है रक्त जैसे ही बाहर निकलता है तो वायु के संपर्क में आकर जो है एक जालीनुमा संरचना वहाँ बना देता है, जिसके कारण से वो ब्लड जो है वो वहाँ पे जम जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण जो है ये हमारे शरीर में रक्त के बाहर जो है नहीं निकालने में मदद करता है, यानी कि रक्त को जमा देता है। ये ऐसे ही हमारी जो है वो मदद करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग कितना होता है। तो इसका जो है घड़ी की सेकंड की सुई का कोणीय वेग कितना हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़िए और इसको बनाइए और फिर आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 जो है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि घड़ी की सेकंड की सुई जो है वो एक राउंड में जो है 60 सेकंड हो जाता है, तो 60 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन जो है सारा न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका जो है PDF हम टेलीग्राम में दे देंगे, उसके बाद आप लोग बनाइएगा और फिर जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका, और फिर जो है वो मैच कीजिएगा, और फिर आप लोगों को जब हम बना कर बताएँगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा कि कैसे कहाँ पर क्या गलत हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा और फिर वैसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना पाइएगा, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।